नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप सभी ठीक ठाक और कुशल मंगल होंगे। आज के वीडियो में हम बात करेंगे कृषि के टॉप 5 कृषि व्यवसाय के बारे में, जिनको हम कम लागत में स्टार्ट करके अधिक से अधिक मुनाफा कमा सकते हैं। जैसा कि आप सबको याद होगा कि भारत एक कृषि प्रधान देश है और यहाँ की 70% जनसंख्या कृषि और कृषि उद्योगों पर निर्भर है। कई सारे लोग कृषि व्यवसाय करके लाखों रुपए महीना कमा रहे हैं। कहीं ऐसे लोग भी हैं जो अपनी सरकारी नौकरी को छोड़कर खुद का व्यवसाय कर रहे हैं, खुद का कृषि व्यवसाय कर रहे हैं, जिनसे लाखों रुपए महीना कमा रहे हैं। अगर आप भी खुद का कृषि व्यवसाय करना चाहते हो तो ये वीडियो बिल्कुल आप लोगों के लिए है। चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। शुरू करने से पहले जो लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। पास में जो बेल आइकन है उस पर क्लिक करें ताकि आने वाले सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। सबसे पहले हम बात करेंगे बकरी पालन के बारे में, जिसको गोट फार्मिंग के नाम से जाना जाता है। कृषि व्यवसायों में से एक ऐसा व्यवसाय है जो काफी तेजी से बढ़ता जा रहा है। देखो, बकरी पालन कई सालों से किया जा रहा है बट अब एक बड़ा रूप ले चुका है और इसको एज कृषि व्यवसाय के रूप में किया जाता है, जिससे कम लागत में अधिक से अधिक मुनाफा कमाया जाता है। अगर आप बकरी पालन स्टार्ट करना चाहते हो तो उसको आप स्टार्ट कर सकते हो, क्योंकि एक ऐसा व्यापार है जो कम लागत में अधिक से अधिक लाभ आपको देने वाला है और लाभकारी और टिकाऊ व्यवसाय है। इस व्यवसाय को करने के लिए आप केंद्र सरकार से सब्सिडी भी ले सकते हो। इसमें 25-35% तक सब्सिडी आपको केंद्र सरकार के द्वारा प्रोवाइड करवाई जाती है और कृषि व्यवसायों में से काफी अच्छा एक व्यवसाय है। इसको आप ट्रेनिंग लेकर स्टार्ट कर सकते हो। इस व्यवसाय को आप, कहने का मतलब है, 2-3 लाख रुपए में भी आप इसको स्टार्ट कर सकते हो। देखो, कोई भी व्यवसाय हो, अगर आपको मुनाफा कमाना है तो उसके लिए आपको धैर्य रखना पड़ेगा, पेशेंस रखना पड़ेगा। एक ऐसा व्यवसाय है जो आपको 6 महीने बाद या 1 साल बाद अच्छा पैसा आपको कमाकर दे सकता है। बकरी पालन से हम दूध बेचकर, मांस बेचकर और बकरी के अन्य जो उत्पाद होते हैं या खुद बकरियों को बेचकर भी एक अच्छा खासा पैसा हम कमा सकते हैं। इस बिजनेस को आप 50 बकरियों से स्टार्ट कर सकते हो, जिसमें आपको कम लागत में अधिक से अधिक मुनाफा होने वाला है। दूसरे नंबर पे हम बात करने वाले हैं मुर्गी पालन के बारे में। मुर्गी पालन भी एक ऐसा कृषि व्यवसाय है जो काफी तेजी से बढ़ रहा है। देखो, मुर्गी पालन सदियों से किया जा रहा है बट अब इसने एक बड़ा रूप ले लिया है और कई सारे किसान, कई सारे युवा इस बिजनेस को काफी अच्छे से कर रहे हैं और लाखों रुपए महीना कमा रहे हैं। इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए आप गरीब हो, अमीर हो, छोटे पैमाने पे करना चाहते हो, बड़े पैमाने पे करना चाहते हो, गाँव में कर सकते हो, शहर में कर सकते हो, सभी जगह पे इस व्यवसाय को किया जा सकता है। मुर्गी पालन व्यवसाय में अंडा बेचकर, चूजे बेचकर, मुर्गे बेचकर अच्छा खासा पैसा कमाया जा सकता है। केंद्र सरकार के द्वारा इसके ऊपर भी करीबन करीबन 25-35% तक सब्सिडी आपको प्रोवाइड करवाई जाती है। इसके अलावा अलग अलग राज्य सरकारें अलग अलग सब्सिडी आपको प्रोवाइड करवाती है। अगर हम बात करें राजस्थान की, तो राजस्थान में राजस्थान मुर्गी पालन एक योजना चलाई गई है। उस योजना के तहत प्रति पक्षी 139 रुपए से लेकर 309 रुपए तक 5 वर्ष के लिए आपको प्रोवाइड करवाए जाते हैं, जिससे आप खुद का अपना एक व्यवसाय स्टार्ट कर सकते हो। इसके अलावा कई सारे ऐसे बैंक होते हैं जो आपको इन एग्री बिजनेस पे लोन भी प्रोवाइड करवाते हैं, तो आप आराम से इन व्यवसाय को स्टार्ट कर सकते हो। बट वही है कि आपको धैर्य रखना पड़ेगा, पेशेंस आपको रखना पड़ेगा, उसके बाद ही इनकम स्टार्ट होती है। कोई भी व्यवसाय हो, स्टार्टिंग में हमें कम पैसा मिलता है या ना के बराबर पैसा मिलता है, लेकिन जैसे ही वो एक बार अपनी ग्रोथ को पकड़ लेता है, धीरे धीरे आगे बढ़ने लगता है, तो बहुत तेजी से आगे बढ़ता है। क्योंकि आप कई सारे ऐसे उदाहरण आप देख सकते हो यूट्यूब के ऊपर, जहां पर आपको ऐसे लोग मिलेंगे जो अपनी सरकारी नौकरी को छोड़कर कृषि व्यवसाय करके एक अच्छा खासा पैसा कमा रहे हैं। अधिक जानकारी आप लोगों को लेनी है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बताइए, इसके ऊपर एक अलग से वीडियो बना के आप लोगों को प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। थर्ड नंबर पे हम बात करेंगे मधुमक्खी पालन के बारे में, जिसको हम एपिकल्चर के नाम से जानते हैं। मधुमक्खी पालन भी एक ऐसा कृषि व्यवसाय है जो काफी तेजी से आगे बढ़ रहा है, क्योंकि जो मधुमक्खी पालन है इसको हम जहां पर फूलों की खेती होती है वहां पर इसको आसानी से कर सकते हैं और इसके शहद को बेचकर एक अच्छा खासा पैसा हम कमा सकते हैं। देखो, शहद को औषधि के रूप में, इसके अलावा कई सारी दवाइयों में काम में लिया जाता है,
तो आसानी से इस व्यवसाय को किया जा सकता है। इसको छोटे पैमाने पर या बड़े पैमाने पर हम स्टार्ट कर सकते हैं। अगर हम इसको नॉर्मल स्टार्ट करें तो 8 से 10 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट हमारा होगा, लेकिन एक साल के बाद ही आप अच्छा खासा पैसा इसमें कमा सकते हैं। थर्ड हम बात करने वाले हैं मशरूम प्रोडक्शन के बारे में, मशरूम उत्पादन के बारे में। मशरूम वैसे तो एक कवक है, बट इसको कवक पादप या मांस के रूप में इसको जाना जाता है। इसमें भरपूर मात्रा में प्रोटीन और विटामिन पाए जाते हैं, जिसकी वजह से इस सेहत के लिए काफी अच्छा होता है। और इस व्यवसाय को हम कम लागत में स्टार्ट करके या कम जगह में स्टार्ट करके अधिक से अधिक पैसा हम इसको कमा सकते हैं। करीबन 6 महीने में इससे हमारे अर्निंग स्टार्ट हो जाती है। इस पर भी केंद्र सरकार के द्वारा करीबन 85% तक सब्सिडी आपको प्रोवाइड करवाई जाती है। इसके अलावा कुछ बैंक आपको लोन भी देते हैं, उन लोन को लेकर भी आप इस कृषि व्यवसाय को स्टार्ट कर सकते हो। और काफी अच्छा व्यवसाय है जिससे आप पैसा कमा सकते हो। अगर इसके बारे में अधिक जानकारी चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर दीजिए, उसके ऊपर एक अलग से वीडियो बना के आप लोगों को प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। फिफ्थ नंबर पे हमारे पास आता है डेयरी फार्म। देखो डेयरी फार्म को अलग अलग उद्देश्य से किया जाता है, लेकिन मुख्य रूप से इसको दूध के लिए किया जाता है। दूध की डिमांड काफी तेजी से बढ़ती जा रही है और दूध अपने आप में एक संपूर्ण भोजन है। मतलब संपूर्ण भोजन का अभिप्राय है कि सारे के सारे पोषक तत्व इसमें पाए जाते हैं, इसीलिए इसको संपूर्ण भोजन के रूप में जाना जाता है। भारत हमारा एक ऐसा देश है जो सबसे ज्यादा दूध का उत्पादन करता है पूरे वर्ल्ड में, और इसकी डिमांड कंटिन्यू बढ़ती जा रही है। इसीलिए आप इस व्यवसाय को स्टार्ट कर सकते हो, छोटे पैमाने पर या बड़े पैमाने पर। अगर छोटे पैमाने पर भी अगर आप इसको स्टार्ट करते हो तो केंद्र सरकार के द्वारा 25-35% तक सब्सिडी आपको प्रोवाइड करवाई जाती है। इसको आप 10 गायों से भी स्टार्ट कर सकते हो। अगर आप फॉर एग्जाम्पल 10 गायों से इसको स्टार्ट करते हो और अगर 100 लीटर पर डे का दूध आपको मिलता है और उसको अगर आप मार्केट में एक नॉर्मल प्राइस 30-35 रुपए पर किलो के हिसाब से अगर आप उसको सेल करते हो, तब भी पर डे का 3000-3500 रुपए हमें मिलता है। अगर आप महीने का कैलकुलेट करोगे तो एक अच्छा खासा पैसा आप लोगों के हाथ में आएगा। इसके अलावा अगर आप डायरेक्ट पर्टिकुलर जो कस्टमर्स होते हैं उनको अगर आप दूध को देते हो तो वहां पर आपको एक अच्छा खासा पैसा मिल जाता है 60-65 रुपए किलो के हिसाब से। उस केस में आपकी पर डे की कमाई 6000-6500 रुपए तक हो सकती है। और अगर आप इसको बड़े पैमाने पर करते हो तो अच्छा खासा पैसा आप इसमें कमा सकते हो। अगर आप कोई भी कृषि व्यवसाय स्टार्ट करते हो तो सबसे पहले आप ट्रेनिंग जरूर लें, क्योंकि हमें अच्छे तरीके से इनके बारे में जानकारी होना चाहिए। कई लोगों ने कृषि व्यवसाय स्टार्ट किए हैं और बंद भी कर दिए हैं नॉलेज के अभाव में या ट्रेनिंग के अभाव में। कुछ लोगों के कृषि व्यवसाय काफी अच्छे तरीके से चल रहे हैं। जैसे डेयरी फार्म की बात करें तो डेयरी फार्म के साथ साथ आप कहीं और कृषि व्यवसाय स्टार्ट कर सकते हो। जैसे कि वर्मी कंपोस्ट आप बना सकते हो। जो गाय का गोमूत्र होता है इसको कहीं दवाइयों के रूप में भी काम में लिया जाता है, तो उसको सेल करके भी आप पैसा कमा सकते हो। तो किसी भी व्यवसाय को स्टार्ट करने से पहले आपको अच्छे तरीके से ट्रेनिंग लेने की जरूरत है। इसके अलावा अच्छे से पूरी जानकारी आपको लेना है, उसके बाद ही आपको इन कृषि व्यवसाय को स्टार्ट करना है। अगर किसी भी कृषि व्यवसाय के बारे में आपको अधिक जानकारी चाहिए तो आप मुझे कमेंट कीजिए, उसके ऊपर एक अलग से वीडियो बना दिया जाएगा और आप लोगों को प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। तो आज के वीडियो में हमने जाना है कृषि के टॉप 5 कृषि व्यवसाय के बारे में। आप लोगों को यह वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसको लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें, और जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। पास में जो बेल आइकन है उस पर क्लिक करें ताकि आने वाले सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। मुलाकात करेंगे अगले वीडियो में, तब तक आप सभी को मेरा राम राम, नमस्कार, जय जवान, जय किसान, जय हिंद, बाय।